यमुनानगर जिले के जैदर जैदरी गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सूचना मिली कि तीन बच्चे नौजवान जो है नदी किनारे नहा रहे थे और नहाते वक्त जो है पानी के तेज बहाव में बह गए। आपको बता दें कि तीन लड़के थे, जिसमें से तीन लड़कों में से एक शव को जो है पुलिस ने बरामद कर लिया है। मौके पर पूरी गोताखोरों की टीम पहुंची थी। इस मामले में थाना छछरौली के SHO लज्जाराम ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देर शाम तक जो है एक शव बरामद हो गया था, लेकिन दो शव अभी भी तलाश जारी है। कितने बच्चे थे और कैसे ये आज सूचना मिली थी करीब 4 बजे कि गांव जैदर के चार लड़के नहाते हैं पानी में डूब गए, जिनमें से एक लड़का तो बाहर निकल गया, तीन डूब गए। उन तीन डूबे में से भी साजिद की लाश मिल गई है, जिसकी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दो बच्चे रह रहे हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं, गोताखोर वगैरह बुला रखे। तो पानी जैसे तेज था, नदी का बहाव भी रुकवाया गया कुछ? हाँ, रुकवा दिया, इसका बहाव रुकवाया है, एक्शन से बात करके दादूपुर से पानी बंद कराया है। उम्र कितनी बताएगी बच्चों की? जो डेड बॉडी मिली है उसकी उम्र 26-27 साल है। और बाकी ये यही है, 18 साल का है, एक 20-22 साल का है, जो बच्चा जिंदा निकला है वो 15 साल का। क्या कारण था, किस तरीके से नहाते सन? चटपटे मसालों से प्यार का जादू चलाकर अपनों में खुशियां बिखेरे, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी गुरुजी नमकीन, आपके हर स्वाद के लिए गुरुजी भुजिया एंड मिक्सचर नमकीन, सॉल्टेड पीनट्स मूंग दाल जैसी हर बेहतरीन टेस्ट नमकीन है गुरुजी नमकीन, घर घर है गुरुजी नमकीन, गुरुजी नमकीन, स्वाद अपने देश का।